कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमें बीच में ही अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ रही है। एंड गाइस समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही सीन हो रहा हमारे साथ। तो अभी अबू धाबी पहुंच चुके हैं एंड अभी एक और नया सीन हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। लेकिन हमारी तरफ से थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें वापस अभी दुबई जाना पड़ रहा है और अपनी ट्रिप को यहाँ बीच में ही कैंसिल करना पड़ रहा है। एंड अभी हमारा आज कल रात को ही हमारा ट्रेन थी जॉर्जिया के लिए, हम जॉर्जिया जा रहे थे। नेक्स्ट कंट्री जो थी हमारी वो जॉर्जिया थी, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ट्रिप कैंसिल करना पड़ रहा है। उसकी थोड़ी सी वजह हो गई है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले अपनी चेक इन इमिग्रेशन एंड कस्टम क्लियर कर लेता हूँ एंड अपना पहले बोर्डिंग गेट के पास पहुँच जाते हैं एंड फिर बताता हूँ मैं आपको। एंड अभी इमिग्रेशन कस्टम्स बाकी मतलब सब कुछ चीज़ हमने क्लियर कर ली है एंड अभी चलते हैं अपने गेट की तरफ। बाकी ड्यूटी फ्री से भी हमें कुछ सामान लेना था तो वो भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने सामान मंगाया था तो वो चीज़ ले लेते हैं। एंड बाकी फिर चलते हैं प्लेन की तरफ एंड बोर्ड करते हैं अपना प्लेन। बाकी ये यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया एंड ये है हमारा गेट। बहुत थोड़ा छोटा एयरपोर्ट है, ज़्यादा इतना खास बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट तो काफ़ी छोटा सा, बाकी थोड़ी बहुत शॉप्स एंड आउटलेट्स हैं चॉकलेट्स एंड इन सब चीज़ों की। बाकी अभी जो टाइम हो रखा है अभी हमारे पास है वैसे आधा घंटा। समय के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए अगर जाते भी जॉर्जिया तो चीज़ें ख़राब ही होती हैं और मैं नहीं चाहता कि चीज़ें ख़राब होगी। ऐसा है ट्रिप तो हम बाद में भी कर सकते हैं, घूमना फिरना तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ पहले है, इन चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम वहाँ जाते भी और सारी सिचुएशन मतलब वहाँ पर सही नहीं होती तो कोई फ़ायदा नहीं होता और सारा मतलब ट्रिप वैसे भी ख़राब होनी थी। तो इट्स बेटर कि हम इस ट्रिप को यहीं एंड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। एंड गाइस अभी हमने बोर्डिंग अपनी क्लियर कर ली है एंड जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। एंड आज प्लेन विज एयर का ही मिला है, मतलब एयरलाइंस चेंज नहीं है, जिससे बुक किया है उसी का एयरक्राफ्ट है। यहाँ अभी हमें सीढ़ियों से उतर के नीचे एयरक्राफ्ट के पास जाना पड़ रहा है। यहाँ पे एरो ब्रिज कनेक्टेड नहीं है एयरक्राफ्ट से, मतलब एक जेटी कनेक्टेड नहीं है एयरक्राफ्ट से, तो हमें सीढ़ियों से उतर के ही एयरक्राफ्ट पर जाना है। आई थिंक फ्लाइट पूरी फुल है, पैसेंजर्स की लाइन देख सकते हैं आप, काफ़ी पैसेंजर है तो आई थिंक फ्लाइट पूरी फुल है। कि ये हमारा एयरक्राफ्ट विज एयर का एयरक्राफ्ट ही मिला है आज हमें। एंड गाइस कभी कभी ना प्रायोरिटी मेंबरशिप के भी ना घाटे हो जाते हैं। हम दोनों को मतलब हम तीनों को सीट्स अलग अलग मिली थी, ये दोनों प्रायोरिटी में नहीं थे तो इनको अलग सीट मिली और मेरे को विंग्स के ऊपर सीट मिली एक्स्ट्रा लेग स्पेस की वजह से। और अभी हमें अलग अलग ट्रैवल करना पड़ता, बट हमने यहाँ पे एक एंड यहाँ पर एक इंडियन ही बैठा हुआ था तो हमें क्या हुआ इजी हो गया, हमने उसे सीट स्विच कर ली एंड ताकि हम तीनों साथ साथ बैठ सके और उसको मैंने एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली सीट दे दी। तो ये चीज़ ठीक थी कि इंडियन था तो आसानी हो गई, अगर यहीं के होते तो मतलब उन्हें समझाना भी बड़ा मुश्किल होता क्योंकि लैंग्वेज का बहुत तगड़ा बैरियर है हमारा। बट चलिए बाकी सब कुछ ठीक है, अपना साथ में सीटिंग तो मिल गई कम से कम, कुछ तो अच्छा हुआ। साहिब भैया आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर मैं विंडो सीट में बैठा हूं। आप विंडो सीट पे बैठे हुए हो एंड क्या कर रहे हो अभी? विंडो सीट पे एंजॉय कर रहे हो एंड आपके हाथ में क्या है? ये तो बस बॉल है। आप इससे प्लेइंग करते करते जाओगे अबू धाबी? चलो से बाय बाय टू फ्रेंड्स। एंड गाइस समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही सीन हो रहा हमारे साथ। तो अभी अबू धाबी पहुंच चुके हैं एंड अभी एक और नया सीन हो गया है कि एक बैगेज नहीं आया। चेक इन बैगेज था वो आया ही नहीं है, सारे बैगेज डिलीवर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बैगेज डिलीवर्ड। बैग सारे डिलीवर्ड हो रखे हैं लेकिन हमारा बैगेज आया ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। बाकी भी इनको बोला है, ये चेक करवा रहे हैं बैग्स को तो देखते हैं क्या सीन बन रहा है, पता नहीं यार सीन ही क्या हो रहा है। कल से ही तबीयत ख़राब चल रही, पर समझा कि एंड अभी ये सीन चल रहा है। गाइस अभी एयरपोर्ट से बाहर आए हैं एंड यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है, अराउंड 41-40 के आसपास यहाँ का टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ तो काफ़ी अच्छा मौसम था लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इतना देख के ही लग रहा होगा कि बहुत गर्म है, 40-41 के आसपास टेम्परेचर है। बाकी जिस तरीके से हम आए थे अबू धाबी एंड उसी तरीके से हम दुबई वापस जाएंगे। ये आ गई हमारी एयरपोर्ट एक्सप्रेस बस। एंड गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं दुबई। एंड जो वजह रही हमारे ट्रिप कैंसिल करने की वो ये थी कि जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे तो 40-45 के आसपास का टेम्परेचर हो रहा था दुबई में जब हम यहाँ से निकले थे, एंड वहाँ पे था 15 के आसपास का टेम्परेचर। तो यहाँ से तो बहुत गर्मी से निकले थे एंड वहाँ जाके बहुत ही ठंडा माहौल मिल गया था, तो उस वजह से शुरुआत में ही साहिब का तो फर्स्ट डे ही जुकाम शुरू हो गया था। लेकिन हम पहले से दवाई लेकर गए थे, उसके लिए हमें पता था कि ऐसा होएगा,
तो उसकी दवाई हम लेकर गए थे, लगातार दे भी रहे थे। बाकी वो तो काफी संभाल रखा था उसको, हमने दवाइयों की वजह से काफी संभला हुआ था, तो वो इसको तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। बस थोड़ा सा जुकाम की वजह से गले में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, आवाज जैसा कि आपने सुना ही आवाज तो बहुत खराब हो रखी थी उसकी। एंड उसके अलावा वहाँ पे बारिश भी काफी हो रही थी, जिस दिन हम गए थे उस दिन भी बूंदाबांदी थी जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा ही होगा। एंड सेकेंड डे भी थोड़ी सी बारिश हो गई थी और उस दिन तो मतलब इतना ज्यादा भीग गए हम कि मतलब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एंड साहिब तो फिर भी ठीक था क्योंकि हमने उसे भीगने नहीं दिया था, मैंने अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी थी तो वो इतना भीग नहीं पाया था, लेकिन हम दोनों काफी ज्यादा भीग गए थे जिसकी वजह से संध्या की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। थर्ड डे जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में, थर्ड डे वाली वीडियो में हमारा देखा ही होगा कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, उसकी वजह से हम जल्दी भी आ गए थे वहां से, पूरा मतलब एक्सप्लोर भी ढंग से नहीं कर पाए थे। बाकी हमने सोचा कि थोड़ा अगर संध्या रेस्ट कर लेगी शाम में तो शायद हम जो रात में हमें ट्रैवल करना था ट्रेन से जॉर्जिया के लिए, हमारी ट्रेन थी बहुत ही अच्छा मतलब ट्रांसपोर्ट है अपना आर्मेनिया से जॉर्जिया के लिए, तबिलिसी के लिए सीधे ट्रेन जाती है। एक्चुअली हमने सोचा ये था कि रात में हमारा ट्रैवल में ही सारा मतलब जो समय है वो निकल जाएगा, ट्रैवलिंग भी हो जाएगी, रात में अपना ट्रेन में सो लेंगे, तो इसलिए हमने ट्रैवल का किया था। और ट्रेन से बॉर्डर क्रॉस करने का नया एक्सपीरियंस भी लेना चाहते थे इसलिए हमने फ्लाइट बुक नहीं करी थी। एंड हमारी जो फ्लाइट थी दुबई वापस आने की, मतलब अबूधाबी वापस आने की, वो थी येरेवन से ही थी, मतलब आर्मेनिया से हमारी फ्लाइट थी 26 तारीख की। हमारा ये था कि हम 22 की रात को तबिलिसी के लिए निकलेंगे एंड वहां से 25 की ट्रेन पकड़ के सुबह यहाँ पे आ जाएंगे और अपना फ्लाइट पकड़ के सीधे दुबई अबूधाबी आ जाएंगे। लेकिन हमें अपना सारा प्लान चेंज करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि 22 को लास्ट जो हमारा आर्मेनिया का था उसमें ही संध्या इतना कंफर्टेबल नहीं थी, वो वहां पे ज्यादा घूम नहीं पा रही थी, उसे दिक्कत हो रही थी घूमने में, तबीयत खराब थी उसकी। जैसा कि मैं वीडियो में देखा था, हमने वीडियो भी काफी ज्यादा नहीं बनाई थी उस दिन, बहुत ही मतलब ज्यादा घूम भी नहीं पाए थे। शाम होते होते उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, वैसे तो वो कह रही थी कि चलते हैं कोई दिक्कत नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। बाकी यही है कि मकसद जो था वो कंट्री को एक्सप्लोर करने का था और अगर वो चीज नहीं कर पाई और होटल रूम में बैठ गई अगर हमने दिन बिताना था तो इट्स बेटर के अबूधाबी वापस चलते हैं, दुबई वापस चलते हैं, क्योंकि अगर एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए तो फिर फायदा ही क्या है किसी नई कंट्री में जाने का और अपने होटल रूम में समय बिताने का। ट्रेन की टिकट्स तो वहीं जाके लेनी होती है तो उसका तो कोई टेंशन था ही नहीं। होटल भी आर्मेनिया का मैं 3 दिन के लिए गया था तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं थी। बाकी ये था कि फ्लाइट हमारी जो आर्मेनिया से थी 26 की, वो हमने प्री पॉन्ड कराई 23 की, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थोड़े बहुत चार्जेस लगे वो ठीक है, बट ये है कि अभी हम घर आ गए तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद ये फील अच्छा बेटर करे क्योंकि अपने घर पे तो आदमी अच्छा ही फील करता है, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। बाकी डॉक्टर को भी विजिट करेंगे शाम को तो होपफुली अब ये थोड़ा सा बेटर फील करेगी। एंड ट्रिप्स और गैप ट्रिप्स तो चलती रहती हैं, बाकी ये है कि दोबारा जाके भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अगर वहाँ पे बीमार रह के अगर हमने ट्रिप को पूरा करते तो घूम भी नहीं पाते और ट्रिप भी मतलब खराब हो जाती क्योंकि थर्ड डे जो लास्ट डे था आर्मेनिया का उसमें भी हम ज्यादा घूम नहीं पाए थे, तो इतना अच्छा खासा मतलब सही भी नहीं, मुझे भी सही नहीं लग रहा था क्योंकि ये बीमार थी और साहिब का भी गला खराब था, तो इतना ज्यादा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इट्स बेटर कि अपना वापस चलते हैं। तो इसीलिए हमने ये ट्रिप बीच में ही कैंसिल करी एंड अभी हम दुबई पहुंच चुके हैं। बाकी साहिब भैया, आपका क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मैं रो रहा था, मम्मा ने मुझे अब आपके गले में दद्दू तो नहीं हो रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी हो रही है कि अभी पहले जितनी हो रही है? हाँ। थोड़ी थोड़ी हो रही है कि ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है। हाँ। बेटा अभी आज और दवाई पी लेना फिर आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? अभी आप दुबई आ गए ना, अब तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, अब आप सारी सारी दवाई पी लेना फिर आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? वार्म वाटर, हाँ वार्म वाटर पीना बेटा। संध्या भी पड़ी हुई, संध्या अब क्या कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है? दवाई खाऊंगी, अब मैं सोच रही हूँ सो ही जाऊंगा। तो अभी दर्द वर्द है? अभी नहीं है, दर्द बहुत हो रहा है। तो बाकी और बुखार उखार भी है? बुखार तो अब तो नहीं लग रहा है, पर फिर भी मैं दवाई खा लूंगी, कोई पता नहीं रात में ना आ जाएगा। चलो खाना तो मैं बाहर से मंगा लूँ, क्या करूँ फिर? अब इतने दिन से हम बाहर से खा रहे हैं। चल मैं तेरे लिए बनाता हूँ, पीले वाले चावल खा लेगी? हाँ, चावल से तो फिर दिक्कत नहीं होगी तेरे को? नहीं, नहीं, कुछ मत डालना, बस ना हल्दी और नमक में ही हल्के से थोड़े से। हाँ तो और क्या, मैं बिल्कुल शेफ वाला खाना बनाना भी मेरे को नहीं आता, मतलब मैं सादा सा चावल खा लो तो वही खा के दवाई खा लो। तू को मान जा, पैर में लग रही है बेटा मेरे। गाइस देखिए कि आवाज भी दोनों की कैसी बैठी हुई है, वही ना वो सर्दी की वजह से सारा कुछ हो गया है। चलो तो मैं बना के लाता हूँ। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, अभी हो गई है नेक्स्ट सुबह एंड एक्चुअली कल खाना बनाने के बाद हम रेस्ट करने लग गए थे तो मैं वीडियो एंड करना भूल गया था,
बाकी वीडियो छोटी भी थी तो मैं कहा चलो दो दिन की एक्सटेंड कर लेते हैं, आज की भी उसमें ऐड कर लेते हैं। साहिब को हमने सुबह सुबह स्कूल भेज दिया, एक्चुअली भेजने का मन तो नहीं था, सोचा था कि उसकी तबीयत खराब है तो एक दिन का और ब्रेक करा लेते हैं, बट आज उसकी स्कूल ट्रिप थी एक क्रूज के लिए, लाइक उसको वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में सिखाया जा रहा था, क्रूज पे ले जा रही थी उसकी स्कूल टीम उसको, तो हमने सोचा कि आज भेजना जरूरी है क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में और शिप्स के बारे में क्रूज के बारे में वो थोड़ा सा एजुकेशन ले लेगा, थोड़ी सी नॉलेज ले लेगा, तो इसलिए हमने उसे स्कूल भेज दिया। एंड बाकी अभी उसके स्कूल के आने का टाइम भी हो गया है तो एक बार स्कूल से आ जाए फिर उससे पूछते हैं कि उसने क्या आज सीखा। एंड साहिब भी आ गए स्कूल से। साहिब भी आज आपका स्कूल टूर गया था? कहाँ गए थे जब टूर पे गए थे? मेरे को तो स्कूल से मेल आया था कि आप टूर पे जाओगे आज कहीं। टूर गया और वापस आ गया। शिप पे टूर गए थे आज? आपको स्कूल टूर लेके गया था शिप पे, क्रूज पे? अच्छा भाई, वहां पे आपने क्या किया? वहां पे मैंने शिप के ऊपर बैठ के खाना खाया था। वहां पे खाना भी मिला था आपको? हाँ। स्कूल ने दिया था वो खाना? नहीं, टीचर ने दिया था। हाँ तो टीचर स्कूल में ही तो होती है बेटा। एंड गाइस ये देखिए मैंने इसको मना किया तबीयत खराब है सर मत दो, फिर भी देखो इनसे सर धोए बिना मना नहीं किया और सर धो लिया इनने। तबीयत खराब है तो बेटा आज रह नहीं देती। साफ सफाई करी थी तो सर में खुजली हो रही थी बहुत ज्यादा। अब वैसे भी अर्मेनिया में 3-4 दिन सर नहीं धुला था और वहां पे ना अजीब सा ना वो वहां हो भी रहा ठंड की वजह से ना बाल वैसे हुए टाइट टाइट से। ये मैंने बनाया साहिब के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस। साहिब भी आपने एंजॉय किया था ना पर आज एंजॉय किया था क्रूज पे, मजा आ गया था। चलो सही है गाइस, अब हम खाने जा रहे हैं लंच। लंच में है राइस, रायता बनाया सैंडी ने मिक्स, और ये है चुकंदर आलू की सब्जी, साथ में है सांभर और सैलेड तो होता ही है। बाकी आज साहिब भैया बोल रहे हैं हम नीचे बैठे खाएंगे तो इसलिए हम खा रहे हैं नीचे बैठे। ये भी तो दिखाओ, ये वायरल टमाटो चटनी बनाई है गाइस, ये संध्या ने बनाई है, वायरल टमाटो चटनी नाम बता रही है इसका, ये यूट्यूब से देख के बनाई है, अभी खा के देखते कैसी बनी है। एंड गाइस खाना हमने खा लिया है एंड इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।